हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, आज मैं आप लोगों को दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के टूर करवाने वाला हूँ। और गाइज, वहाँ पे हॉस्टल्स कितने हैं और लाइब्रेरी कैसी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग NH 57 पे पड़ता है, नेशनल हाईवे 57 पे। और गाइज, ये मब्बी में है। और गाइज, अभी हम लोग NH 57 पे ही हैं, तो चलिए चलते हैं कॉलेज की ओर। तो गाइज, अभी हम लोग NH 57 पर ही हैं और कॉलेज के पास आ गए हैं। और ये कॉलेज के बाहर का नज़ारा है, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कॉलेज। आप लोग ये देखिए। तो चलिए हम लोग दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में चलते हैं और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर कैसा है। जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स होंगे, ये बाबा के ढाबा के नाम से बहुत ही फेमस ढाबा है। गाइज, आप लोग जो अभी ये बिल्डिंग देख रहे हो, जब ये कॉलेज की स्थापना हुई थी तब ये न्यू बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब न्यू बिल्डिंग बन गई है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। तो गाइज, आप लोगों को मैं उसका भी टूर करवाने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अब कॉलेज के बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। गाइज, ये रही DC कॉलेज की क्लासरूम, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। और गाइज, इसके बाद मैं आप लोगों को लाइब्रेरी लेकर चलता हूँ, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे ही है। गाइज, इस तरह के क्लासरूम बहुत सारे हैं और सभी फ्लोर पर हैं। तो चलिए अब हम लोग लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, ये रही दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की लाइब्रेरी। गाइज, अब हम लोग चलते हैं दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बॉयज हॉस्टल में, जो कि कॉलेज कैंपस के बाहर है। और गाइज, गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज कैंपस के अंदर ही है। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं बॉयज हॉस्टल में। और गाइज, यहां पर दो हॉस्टल है बॉयज के लिए, एक VC जा हॉस्टल और सेकेंड विद्यापति हॉस्टल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। गाइज, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने छोटे से वीडियो में ही कॉलेज को कवर करने की कोशिश की है। मिलता हूँ इसी तरह के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।